नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। और आज हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि जूनियर ऑडिटर्स का एग्ज़ाम के लिए खाली एक हफ्ता बचा हुआ है। तो आप तैयारी जोर शोर से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो जिस किसी ने भी हमारी ई बुक नहीं परचेज़ किया 49 रुपीज़ की, तो वो परचेज़ कर सकता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रखा है, तो वहाँ से वो परचेज़ कर सकता है। तो आज मैं उसी ई बुक से आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा कि किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जो ई बुक में किस तरह का मटेरियल है। तो अगर जिस किसी ने भी अगर परचेज़ करनी हो, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 49 रुपीज़ की ई बुक का मैंने लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। और उसके साथ मैं जो भी अगर बंदा ई बुक परचेज़ करेगा, वो अपना व्हाट्सएप नंबर प्लीज़ शेयर करें। जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो व्हाट्सएप वाला नंबर वहाँ पे शेयर करें, क्योंकि मैक्सिमम बंदों के व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो फिर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भेजने में थोड़ी दिक्कत सी आती है। तो अपना व्हाट्सएप वाला नंबर ही शेयर करें उसमें। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिकॉर्ड इन द जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में कौन सी एंट्री नहीं होती? तो इसमें जो होता है, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री होती है, ओपनिंग एंट्री होती है, क्लोजिंग एंट्री होती है, लेकिन इसमें जो क्रेडिट सेल वाली एंट्री होती है वो नहीं होती। क्रेडिट सेल वाली जो एंट्री होती है वो सेल वाउचर में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, डेप्रिसिएशन अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस विल बी रिकॉर्डेड इन। तो ये डेप्रिसिएशन जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, जर्नल प्रॉपर इज़ टू रिकॉर्ड, तो उसमें सेल्स ऑफ ऑल सेल्स ऑफ गुड्स की एंट्री होगी, ऑल परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री होगी, एंड ऑल एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, द परचेज बुक इज़ टू रिकॉर्ड। तो ये ऑल क्रेडिट परचेज जो होती है उसकी एंट्री होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच रिजर्व इज़ नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। तो सीक्रेट रिजर्व जो होता है वो बैलेंस शीट में नहीं शो किए जाते। नेक्स्ट है आपका, इनकम अर्न व्हाट नॉट रिसीव्ड इज टर्म्ड एज। तो ये अक्रूअर्ड इनकम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, बैलेंस शीट इज ए। तो ये एक स्टेटमेंट होती है जो पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, ऑल अकाउंट इन द लेजर टेबुलेटेड एज ए समरी स्टेटमेंट इज नोन एज। तो उसे ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। जो भी हमारी गणितीय शुद्धता होती है उसकी जांच करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रायल बैलेंस इज़ ए प्रूफ फॉर। तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड ट्वाइस। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ट्रायल बैलेंस इज़ ए लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ। तो इसमें ऑल अकाउंट्स की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट टू। तो बैलेंस इज ऑल एंड द अकाउंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, डेप्रिसिएशन इज़ नॉट चार्ज ऑन द विच असेट्स। तो ये गुड्स ऑन कंसाइनमेंट पे चार्ज नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, न्यूमेरिकल है आपका, तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, मैथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज़ तो क्या है? टोटल मैथड है, बैलेंस मैथड है, तो ये सारे हैं टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ट्रायल बैलेंस विल डिटेक्ट द एरर ऑफ द। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट। नेक्स्ट है आपका, विच आइटम इज सोन एज डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल के हैं, तो आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल तो आते ही नहीं है। अब ये तो अकाउंट्स का ही है। रेशोस के क्वेश्चन आते हैं, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिएगा इनको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका,
जर्नल इज ए बुक ऑफ, तो ओरिजिनल एंट्रीज का राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, हु इज अ प्रोफाउंडर ऑफ द बुक कीपिंग, तो लुकस पैसेओली जो इटली के थे उन्होंने बुक कीपिंग की खोज की। नेक्स्ट है, हु इज द व्हाट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स बुक अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड नॉर्म्स, तो बुक कीपिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, हु प्रोफाउंडिंग ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, तो लुकास पोस्ट पैसेओली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, तो जर्नल है। अगला है आपका, व्हाट इज द अमाउंट विद विच बिजनेस कोमेंस्ड कॉल्ड, तो कैपिटल इसका राइट आंसर है। तो द डिस्काउंट गिवन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्रीज द सेल इज कॉल्ड, तो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो। नेक्स्ट है आपका, द कैश ऑफ गुड्स विड्रॉल बाय ट्रेडर फॉर हिज पर्सनल यूज आर कॉल्ड, तो ड्राइंग होता है वो, जो 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 ओनर होता है वो अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ व्यापार से पैसा या फिर कुछ गुड्स वगैरह अपनी यूज़ के लिए निकालता है तो वो उसे ड्राइंग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ए रियल अकाउंटिंग पीरियड वुड बी, तो 1 ईयर है वो, कैलेंडर ईयर भी हो सकता है या फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। कैलेंडर ईयर होता है आपका 1 जैन से 31 दिसंबर, या फाइनेंशियल ईयर जो होता है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो इस तरह के ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिव फॉर ए न्यू मशीनरी विल बी डेबिटेड विच अकाउंट, तो वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसका राइट आंसर है जर्नल। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो ट्रांजेक्शन हम एंटर करते हैं वो जर्नल में की जाती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे आपसे, जैसे कि टाइप ऑफ अकाउंट्स, ये 3 टाइप्स हैं अकाउंट्स के, पर्सनल, नॉमिनल्स और रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट इज कंसर्न्ड विद तो एसेट्स एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है, डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री, तो इटली, और लुकास पैसिओली ने डबल एंट्री की खोज की थी। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग लॉस ए बिजनेस एक्सेप्ट, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसका राइट आंसर है। अगला है, कैश अकाउंट इज ए, तो ये रियल अकाउंट है। सेलवेज चार्जेस आर रिलेटेड टू ए मैरिन इंश्योरेंस से है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इसमें है और इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। और ये दूसरा सेट है कैपिटल अकाउंट, जो है किस तरह का अकाउंट है, क्विक रेशियो को क्या कौन और क्या क्या रेशियो बोलते हैं, इस तरह से जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया और इस ई बुक में जो है वो मैंने कवर कर रखे हैं। तो ये है जो इस ई बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगर किसी को भी ये ई बुक चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।